हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको सात मज़ेदार हिंदी पहेलियाँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी मानसिक स्थिति चेक करने के लिए बनाया गया है कि आपका दिमाग कितना तेज चल सकता है और आप कितनी पहेलियों के सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही हंसाने वाले पहेलियाँ है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए होते हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले नंबर एक, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जो खरीदता है वे काम में नहीं लेता है और जो नहीं खरीदता है वह उसे काम में लेता है? तो दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब है कफन। हाँ दोस्तों, कफन जो कि एक लाश को उठाया जाता है, कफन जिसे खरीदते हैं वो तो काम में नहीं लेते हैं, लेकिन एक लाश काम में लेती है जो कि वो खरीदते नहीं है। पहले नंबर दो है दोस्तों, आप एक बॉल को किस तरफ फेंके कि वे 20 मीटर दूर जाकर वापस आपके पास ही गिरे? दोस्तों, दिमाग लगाइए और पहेली का जवाब जरूर दीजिए। इस पहेली का सही जवाब दोस्तों, ऊपर की ओर फेंके। हाँ दोस्तों, आप खड़े खड़े ऊपर की ओर 20 मीटर फेंके कि वह आपके पास ही आकर गिरे। पहले नंबर तीन है दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर कोई भी आवाज नहीं होती है? दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पहले का सही है दोस्तों, कसम, जिसे कि तोड़ने पर कोई भी आवाज़ नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपका कोई दूसरा जवाब है तो वो भी कमेंट जरूर लिखिए साथ में। पहले नंबर चार है दोस्तों, ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसके लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है? दोस्तों, दिमाग लगाइए और पहले का जवाब जरूर दीजिए। इस पहेली का सही जवाब दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर। हाँ दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर जिसे लाइसेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है। पहले नंबर पाँच है दोस्तों, वह कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती है? इस पहले का सही जवाब दोस्तों, उम्र। हाँ दोस्तों, आपकी उम्र, आप जितने ज्यादा बड़े होंगे उतनी ही आपकी उम्र कम होती जाएगी। पहले नंबर छह है दोस्तों, ऐसा कौन सा राजा है जिसके पास ना तो महल है और ना ही प्रजा, फिर भी वह राजा कहलाता है? इस पहले का सही जवाब दोस्तों, जंगल का राजा शेर। दोस्तों, अगर आपका कोई दूसरा जवाब है तो वो भी कमेंट जरूर लिखिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।